हेलो गाइस, मेरा नाम यश त्रिपाठी है एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ यश त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में। एंड आज का जो ये वीडियो होने वाला है, मैं टोटल हिंदी में करने वाला हूँ। पिछले अगर आपको इंग्लिश ट्यूटोरियल देखने हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हो, टेक्नोश इंग्लिश। एंड मेरा एक दूसरा चैनल भी है फॉर्मा लर्निंग करके, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड आज का फंडा है जो है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आज हम जो है तीन आईडी को कंपेयर करेंगे और लास्ट में आपको मैं सबसे बेस्ट आईडी, जो कि प्रोफेशनल्स स्टार्टर्स के लिए तो नहीं बोलूँगा, जो लोग मतलब बिगिनर्स हैं उनके लिए तो नहीं बोलूँगा, बट जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बेस्ट आईडी रहने वाली है, वो जो कि सर्वर वगैरह पर काम करते हैं। तो आज की जो तीन आईडीज हैं, पहला तो मैं पाईचार्म को लूँगा एंड सेकेंड जो है मैं विजुअल स्टूडियो कोड को लूँगा, थर्ड जुपिटर लूँगा। एंड जो फोर्थ आईडी है, जो कि बेस्ट आईडी है मेरे हिसाब से, उसको मैं आपको लास्ट में रिवील करूँगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का फंडा शुरू करते हैं यहाँ से। एंड मैं कुछ वीडियोज़ को अपने रेफ़र करना चाहूँगा। अगर आप दो गुना स्पीड से प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं पाइथन में या जावा में या आपका जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट का कोर्स मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। बट कैसे मैंने 14 साल की उम्र में, अभी बहुत लोग मेरी एज पूछ रहे थे, सो माय एज इज़ बेसिकली 14 एंड अभी मैं 14 साल का हूँ। एंड मैं 5 लैंग्वेजेस विद सीख चुका हूँ एंड मैं 2 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ एंड आई हैड अर्नड मोर देन $1,000 एंड उसके प्रूफ्स मैं आपको अगली वीडियो में दे दूँगा। एंड मैंने बहुत सारे फ्रीलांसिंग की है। मेरा गिटहब का पेज आपको मैं बाद में अगली वीडियो में शेयर कर दूँगा, वीडियो में मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट मैंने 14 साल की उम्र में कैसे किया, ये सब आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको शेयर कर दूंगा। एंड तो शुरू करते हैं। तो आपको आई बटन में मिल जाएगा वो वीडियो जो जिसमें मैंने बता रखा है कि किस तरह से आप डबल स्पीड पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। एंड बहुत ही मतलब मैंने डिस्क्राइब्ड भी में बताया हुआ है, मतलब अच्छी तरीके से बताया हुआ है उसमें, और बहुत लंबी वीडियो शायद 17-18 मिनट्स की। एंड आप इसको इस पार्ट को स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं आगे चलता हूँ अब। तो पहला जो सबसे स्टार्ट में हम करते हैं उसको करते हैं स्पीड टेस्ट। एंड पिछले वीडियो में मैंने किया था, तो उसमें स्पीड टेस्ट में विजुअल स्टूडियो कोड जीत गया था एंड पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी, मतलब बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई आपके जो वीडियोस की वॉइस है, मतलब बैकग्राउंड नॉइस है, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है आपके वीडियो का बहुत ज़्यादा हाई है एंड हमारे हमको देखने में मतलब प्रॉब्लम होती है एंड जो है तुम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो में मैं अपनी वॉइस को कम करूँगा, मतलब अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को कम करूँगा एंड अपनी वॉइस को आगे बढ़ाऊँगा 300 तक एंड 100% से भी कम कर दूँगा बैकग्राउंड उसको। तो आपको हेल्प रहेगी कि जो है मेरी वॉइस सुनने में, तो शायद इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस भी न रहे। सो उसके लिए तो अब हम अपनी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट, ये पार्ट 2 है, तो स्पीड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ आपका विजुअल स्टूडियो कोड है ये, ठीक है। तो हम जो है पहले विजुअल स्टूडियो कोड और पाईचार्म को मैं बाद में खोलने वाला, बिकॉज पाईचार्म वैसे भी लेट खोलता है, पहले मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। पाईचार्म वैसे भी लेट खुलता है, तो मैं पाईचार्म को पहले खोलूँगा फिर विजुअल स्टूडियो कोड को खोलूँगा, ठीक है, से कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो पहले मैं पाईचार्म को खोल लेता हूँ एंड देन विजुअल स्टूडियो कोड को खोलूँगा, ठीक है। एंड मेरे मैक प्रो में 16 GB की रैम है और तो भी आपको देखो प्रॉब्लम हो रही होगी। पाईचार्म ओपन हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड पहले ओपन हो चुका है एंड पाईचार्म को अभी ओपन होने में टाइम लग रहा है एंड ये मेरा जेंगो प्रोजेक्ट है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ओपन नहीं करता हूँ पाईचार्म को, मैं इसको क्विट कर देता हूँ। एंड मेरे पास एक अच्छा खासा कंप्यूटर है एंड या तो बात कुछ ऐसी है कि पाईचार्म बहुत लेट ओपन होता है बिकॉज ये पैकेजेस को लोड करता है। एंड स्पीड टेस्ट में मैं जुपिटर नोटबुक को नहीं ऐड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ उसको थोड़ा इजी रहता है ओपन करना एंड अगर आप चाहो तो मैं
उन उस तीन का मतलब इन तीनों आइडियाज़ का एक बार में ओपन टेस्ट कर लेता हूँ। तो पहले मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JUPYTER नोटबुक, तो और दो तीनों को साथ में खोल लेते हैं इस बार। तो पहले मैं जो है पाइचम को खोलूँगा, सेकेंडली मैं आपका विजुअल स्टूडियो कोड को खोलूँगा, एंड लास्ट में मैं जुपिटर नोटबुक को खोलूँगा। तो पहले मैंने इसको खोल दिया, बाकी मैंने इसको खोला एंड इस सेकंड लेट मी मिनिमाइज इट, एंड इसको क्लिक कर दिया मैंने। एंड देखा देखते हैं सबसे पहले कौन ओपन होता है। और यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है, एंड सेकेंड नंबर पे हमारा ये ओपन हो रहा है। तो पहले पाइचम ओपन हो गया था, एंड देन हमारा जो जुपाइटर नोटबुक है वो ओपन हुआ। ठीक है, तो मैं अभी इस नोटबुक को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, वाई करके एंटर मार दिया, एंड अभी जेंगो प्रोजेक्ट नहीं ओपन करना चाहता। तो हमने देख लिया कि स्पीड टेस्ट में जो ये विजुअल स्टूडियो कोड है बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है, मतलब ये ज़्यादा मतलब एमबीस का नहीं है, मतलब ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड आप लोग के पास शायद गेमिंग पीसी हो सकता है, तो आपको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब सेकेंड मैं आपको बताता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड का फ़ायदा क्या है। पाइचम बेसिकली अगर आप पाइथन के लिए की कोडिंग कर रहे हो, देन इट इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप पाइथन की कोडिंग कर रहे हो तो आपके लिए विजुअल स्टूडियो कोड एक बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पैकेज जो है उसमें अच्छे खासे होते हैं। एंड अगर आप जेंगो वगैरह की कोडिंग कर रहे हो तो एकदम बेस्ट है आपके लिए पाइचम। एंड इफ़ यू आर गोइंग इफ़ यू आर रनिंग इट ऑन द सर्वर, अगर आप पाइचम को एक सर्वर पर रन करना चाहते हो तो प्रोफेशनल लगता है उसके लिए। थोड़ा मैं डेप्थ में जा रहा हूँ अभी, बट प्रोफेशनल आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइचम का कम्युनिटी वर्जन ही आप डाउनलोड करो, एंड दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर 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 मान लो आप JS की कोडिंग करते हो, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग वगैरह करते हो, देन विजुअल स्टूडियो कोड इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड अगर आपको एक्सटेंशन सपोर्ट चाहिए, जो कि लाइव सर्वर हो गया, कोड रनर हो गया, डिस्कॉर्ड प्रेजेंस, मैंने देखे हो ESLint वगैरह होता है, वो अगर आपको चाहिए तो आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर सकते हो। एक्सटर्नल पैकेजेस होते हैं पाइचम में, बट आप उतने ज़्यादा हाई एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं होता है इसमें। बट इफ़ यू आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड, देन यू हैव अ हायर एडवांटेज ऑफ दिस एक्सटेंशन सपोर्ट। सो जस्ट इतना ही बात है इसमें, इतनी ही बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो विजुअल स्टूडियो कोड को एक अच्छा एडिटर बना, अच्छा सोर्स कोड एडिटर बनाती है, अच्छा एक IDE बनाती है। बट इफ़ यू आर कोडिंग इन पाइथन, अगर आप पाइथन के में कोडिंग कर रहे हो, पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, देन पाइचम इज़ बेस्ट फॉर यू। लिख के ले लो भाई, अभी जो नया अपडेट आया है वो और स्मूथ चलता है। मेरा ये थोड़ा सा वर्जन पुराना है, 2020 वर्जन है, 2020.1 एंड 2020.3 भी आ चुका है शायद मेरे हिसाब से। बट अगर आप हमेशा अपडेटेड रखोगे पाइचम को, तो पाइचम आपको लिख के दे सकता हूँ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। एंड जिनके पास अच्छा अच्छा कंप्यूटर, अच्छा PC है, उनको तो कोई दिक्कत करने की भाई ज़रूरत ही नहीं है। एंड थर्ड जो बेस्ट आईडी है, मैं कहता हूँ जो लोग मतलब VPS वगैरह पे जिनको IDEs चलानी है, जिनके पास स्लो कंप्यूटर है, क्योंकि पाइचाम जो है स्लो कंप्यूटर पे बहुत धीमा चलता है, मतलब खुलता भी नहीं है। मेरे 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 पास एक लैपटॉप था, 2 GB रैम है उसमें, एंड उसमें i3 प्रोसेसर है। उसमें जो है पाइचाम बहुत स्लो खुलता है, एंड उसमें टाइप नहीं होता है, बहुत लैग होता है पाइचाम। तो वैसे कंप्यूटर्स के लिए एक ब्राउज़र की आईडी होती है, तो उसके लिए आपको एनाकोंडा डाउनलोड करना पड़ेगा। एनाकोंडा मेरे पास है, एक्सीडेंट जाओ मैं ओपन करता हूँ, ये है एनाकोंडा। तो एनाकोंडा टेक्स टाइम टू ओपन, एनाकोंडा थोड़ा टाइम ले लेता है ओपन होने में, तो वेट करते हैं। एनाकोंडा मेरे हिसाब से पैकेजेस हैं, एनाकोंडा की जो बिल्ड इन आईडी है वो अच्छी नहीं है। इसको मैं जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ मैंने इंस्टॉल किया था, बिकॉज मैं थोड़ा डेटा साइंस भी करता हूँ एंड मशीन लर्निंग भी करता हूँ। तो मैं अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स देखना चाहो, मैट प्लॉट लिप के एंड नमपाई सीखना हो, तो कमेंट कर देना, नमपाई के भी मैं कोर्सेस ले आ सकता हूँ। एंड नमपाई का अच्छा खासा मैंने कर चुका हूँ। तो अब थर्ड आईडी जो मैं आपको बताने जा रहा था, जो सबसे अच्छी आईडी है मेरे हिसाब से स्लो कंप्यूटर्स के लिए, मैंने आपको पहले भी इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो ये है जुपिटर लैब, जुपाइटर लैब्स। कुछ लोग जुपिटर लैब नहीं कहते हैं इसको, कुछ लोग जुपाइटर लैब्स कहते हैं। तो
तो उनको भी भाई वो भी सही है, एंड जुपिटर नोटबुक भी के जुपिटर लैब भी सही है। एंड जुपिटर नोटबुक के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर जुपिटर लैब के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पाईचार्म जैसा एक्सपीरियंस देने वाला ये जुपिटर लैब है, बट ये वेब बेस्ड है। ये आपके आपके कंप्यूटर में कर्नल बनाता है, एंड देन उस कर्नल से वेब को एक्सेस कर, मतलब आपके उस कर्नल को ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो इसको लॉन्च करते हैं, थोड़ा डेप्थ नहीं जाते, एंड ये आपके लोकल होस्ट पे एक सर्वर बना देता है आपका, ठीक है। तो ये पैंडास का मेरा प्रोजेक्ट है, आपको यहाँ से आप नई फाइल बना सकते हो। इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए नमपाय का, पैंडास का, मैटप्लॉटलिब बहुत ईजी होता है, एंड मैटप्लॉटलिब का, एंड अगर डेटा साइंस का ट्यूटोरियल चाहिए, पाइथन का, तो मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ अपने नए चैनल पे। अगर उसको नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको कर लेना चाहिए उसको सब्सक्राइब, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके उसको उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो इस वीडियो में तो मैं बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं डालने वाला, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वैसे मेरी फैन मतलब मेरे वीडियोस में ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, 8-9 ही कमेंट्स आते हैं ज़्यादातर। तो भाई अगर आप कमेंट्स में सवाल पूछोगे तो 100% 150% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको आपके कमेंट का जवाब मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ कमेंट कर देना, आपके कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है मुझे, पर पिछले वीडियोज़ में बहुत गलत कमेंट्स आए थे यार, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया था वो मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कर दिया था मैंने। तो बस यही बात थी भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, सी या।